हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ। आप सभी भक्तों का स्वागत है दोस्तों नौलखा मंदिर देवघर से। आप सभी भक्तों का बहुत ही ज़्यादा डिमांड हो रहा था कि एक बार जो है नौलखा मंदिर को भी दिखाइए। तो अभी देख रहे हैं नौलखा मंदिर जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, 2024 की तैयारी हो रही है। तो हम ही जा रहे हैं अभी मंदिर की ओर। तो आगे देख पा रहे हैं जो है पुजारी है, बहुत सारे भक्त है, और यह नौलखा मंदिर दोस्तों भगवान कृष्ण के लिए समर्पित है। और इसकी इतिहास की जानकारी भी आप सभी को देंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पर अंदर में मूर्ति है, और देख रहे हैं पंडित जी हमें कैमरा को जो है बंद करने के लिए मना कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन दोस्तों फिर भी जो है बाहर से आप सभी को जानकारी देते हैं, यह मंदिर दोस्तों, इस मंदिर का जो निर्माण है रानी चारुशीला ने करवाया था, और वो जो है दोस्तों अपने पति और बेटे को जो है समय से पहले ही मतलब खो चुके थे, और उन्हें शांति की ज़रूरत थी। तो वो कोलकाता से चलकर देवघर आई थी, और यहाँ पर जो है बालानंद स्वामी जी से मुलाकात हुई थी, और यहीं आश्रम में रह रहे थे। तब जाकर उस वक्त जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया था, यानी कि 1940 में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। पूरे 146 फुट ऊंचाई का ये जो मंदिर है, 146 फीट ऊंचा है। और अभी देख रहे हैं फिर से इस मंदिर की जो है तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से किया जा रहा है। और ये दोस्तों मंदिर प्रांगण का ये बाहर वाला हिस्सा है। तो समझ सकते हैं दोस्तों 1940 में ये बना नौलखा मंदिर, यानी कि 9 लाख रुपया जो है उस वक्त इस मंदिर को दिया गया था बनाने के लिए। तभी जा कर के दोस्तों उस वक्त समझ सकते हैं 1940 में नौलखा नाम इसी वजह से रखा गया था, 9 लाख का जो ये मंदिर बनाया गया था। तो अभी देख रहे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन है, काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। और इस बार देख रहे हैं मंदिर में काफ़ी जो है भव्य चमक दिख रहा है, पहले बहुत पुराना दिखने को मिल पा रहा था। और चलते हैं दूसरे साइड भी, दूसरे तरफ भी चलकर दिखाते हैं उस साइड में किस प्रकार चल रहा है। सभी जगह देख रहे हैं बांस बंधा हुआ है, और मजदूर लगे हुए यहाँ पर इसको जो है बिल्कुल कलर किया जा रहा है, बहुत ही अच्छा जो है फिर से भव्य डिज़ाइन तो पहले से ही है, मतलब कलर किया जा रहा है। और पूरा जो है मंदिर प्रांगण यहाँ पर देखने को मिला है। तो आप सभी भक्तों का डिमांड ये है, जो कि यहाँ पर हम आ चुके हैं आप सभी को अपडेट देने के लिए, और जो भी इतिहास हमने बताया यही यहाँ का इतिहास है। तो देख पा रहे यहाँ पर जो है पीछे साइड में, इस साइड में तो देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा काम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। और मंदिर का जो समय है दोस्तों, सुबह 8 बजे से 12 बजे, सुबह अगर 6 बजे भी शुरू होता है ना, तो लेकिन दोपहर 12 बजे को यह बंद हो जाता है। जो कि दोस्तों हमारे पास अभी समय नहीं है, आप सभी को बस आपको क्लिप के माध्यम से दिखा पा रहे हैं किस प्रकार देख रहे हैं यहाँ पर जो है काम बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। और गार्ड साहब ने हमें कहा कि समय बहुत कम है, क्योंकि यह जो है 12 बजे बंद कर दिया जाता है दोपहर में, फिर 2 बजे से शुरू होता है, चालू हो जाता है, यानी गेट खोल दिया जाता है, फिर आकर आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। यहाँ के जो भी भीड़ थे देख रहे हैं सभी चले गए, सभी को बुलाया जा रहा है, देख रहे हैं गेट के तरफ सभी जा रहे हैं। और किनारे किनारे यहाँ पर बहुत सारा दुकान लगा रहता है जो कि देखने को मिल पा रहा है। तो हमें जो है अब यहाँ से बाहर जाने की तैयारी करना होगा, गार्ड साहब वापस बुला रहे हैं। पा रहे दोस्तों अभी जो है नौलखा मंदिर में हम दिखाएं कि जो है काम हो रहा है, और इसकी तैयारी जो है 2024 श्रावणी मेला की तैयारी है। अगर आप बाबा धाम आते हैं तो एक बार नौलखा मंदिर का भी यहाँ पर दर्शन कर लीजिए, देख लीजिए, काफ़ी अच्छा मंदिर है। उस जमाने में जो है 9 लाख में बनाया गया था, समझ सकते हैं। और फिर जो है चलते हैं, यहाँ पर जो है बंद हो जाता है 12 बजे के बाद, आने के बाद जो है लेट हो गया। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, और अगली बार जो है बिल्कुल लाइव आप सभी को दिखाने का प्रयास करेंगे। इस बार मिस हो गए, मैं ही आने में लेट हो गया, तो लगातार जो है बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी जो है आप सभी तक मिलता रहता है और मिलते भी रहेगा। देख पा रहे पीछे जो है यहाँ पर काम चल रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।